बीपी तो नॉर्मल है। बुखार है? नहीं, कोई बुखार नहीं है आपको। हाँ, बीपी नॉर्मल है, बुखार भी नहीं है। मीना मार्च का है, फिर मुझे सर्दी क्यों लग रही है? वो बच्चों की वजह से थोड़ा जज्बाती हो गए हैं आप, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको सर्दी लग गई है। ले, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। कैसे? मतलब बच्चे एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, एक तो मैं उनको लेने नहीं गया, ऊपर से सो जाऊं। आप भी निरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब बाप नहीं है आप। तो फिर एक कप कॉफी पिए। 3 कप पी चुका हूं, इतने काफी नहीं है। एक्सक्यूज मी। अम्मा जी, जहाज लैंड कर गया जी। और जहाज तो लैंड कर गया, ये बता बच्चे लैंड कर गए? नो डिजीज। नो डिजीज। या अल्लाह खैर। पापा एयरपोर्ट नहीं आए तो मौजू अंकल पता है क्या होगा उनके साथ? अरे बुखार हो गया उसको, बीपी शूट अप कर गया है, गर्मी में ठंड लग रही है उसे, डर गई ना। डॉक्टर ने कहा है कोई बुखार है ना बीपी शूट अप हुआ है। तो ठंड क्यों लग रही है? साले को यकीन नहीं आ रहा कि बच्चे पढ़ लिख कर वापस आ गए हैं और अब उसके साथ रहेंगे। तुम बताओ फरहाद क्यों नहीं आया? वो कल आएगा। कल क्यों? दिल कर बेखदा रवां किन्ना सोना तेनु रब ने बुनाया। सुरैया बतूल, जंतों में भी टैके होंगे आपके। हेलो, मैं चिराग स्पीकिंग। ओ जी जी एसपी साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी तबीयत है मेहर साहब आपकी? तबीयत अच्छी हो जाएगी अगर बाली की कब्र का पता चल जाएगा या उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो। कब्र होगी तो मिलेगी ना मेहर साहब, कब्र नहीं है उसकी, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अल्लाह खैर करे एसपी साहब, लाश जला दी है उसकी। बाली मरा नहीं है मेहर साहब, बाली जिंदा है। दोबारा कहो एसपी साहब, मैं कमरे से बाहर निकल आया हूं। अंदर लग रहा था सीधी बात उल्टी सुनाई दे रही थी। बाली के साथ कुछ जिंदा जिंदा कहा है आपने, कहा है क्या? जी मेहर साहब, बाली जिंदा है। 6 महीने पहले उसकी फांसी उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। कल वो रहीम यार खान जेल से रिहा हो रहा है। एक्सक्यूज मी एसपी साहब, दोबारा चेक करो, ये कोई और बाली होगा, मेड इन चाइना फर्स्ट कॉपी। नहीं मेहर साहब, पूरे रिकॉर्ड में बस एक ही बाली है जिसने मेहर हुकम का मर्डर किया था। अल्लाह वली। सलाम मेहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेहरुन्निसा की अफ्तारी जा रही है जी। खजूरें हैं या खत्म होने वाली? अभी तो हैं।
पड़ी है महर साहब। मोहम्मद करीम से कहो कि एक बोरी खजूरों की और ले आए, जरूरत पड़ती रहेगी। दिल पत्थर के हो जाएंगे। उस दिन मैंने छाती ठोक कर कहा था, वो मेरे बच्चे हैं मौजू, बस वो भी जितने सख्त हो सकते हैं प्यार की आंच से पिघल जाएंगे। बुड्ढे हो गए हो? अरे चा, तेरा बाप कभी बुड्ढा नहीं हो सकता। जरा सा भागे हो तो हांफ रहे हो आप, सांस फूल गई है आपकी। ये सांस भागने की वजह से नहीं फूली बेटी, अगर तेरे जितनी बड़ी हो जाए तो फूल जाता है बाप का सांस। खबरदार जो कहा कि मैं बड़ी हो गई। इसीलिए पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, सोचा मुड़ के देखूंगा तो इतनी छोटी सी होगी रामीन, तो बड़ी होगी है लाडली। पापा सुनो, पापा